नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके जो भी बिल्टी आप एंट्री कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, उसको किस तरह से आप बिल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी अगर आपने एक बार किसी भी बिल्टी की एंट्री कर दी है और जब आप किसी पार्टी के लिए बिल बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ उस पार्टी को टाइप करके ये सर्च करना है कि उसमें कितनी बिल्टीज हैं, और फिर ये सिलेक्ट कर लेना है कौन कौन सी बिल्टी का आपने बिल बनाना है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑल द बिल्टी अकॉर्डिंग टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। लाइक यू कैन सेट अ सोर्स एंड ऑल्सो यू कैन सेट अ डेस्टिनेशन एंड क्लिक ऑन सर्च बटन अकॉर्डिंग टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑल बिल्टी विल कम। यू कैन सेलेक्ट विच वन डेट यू वॉन्ट टू कन्वर्ट टू द बिल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लॉग इन। लॉग इन करने के बाद आप जाएंगे जनरेट बिल में। जनरेट बिल में जाने के बाद जो इनवॉइस नंबर है वो ऑटोमेटिक, अगर आप एक सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं तो इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप मैनुअल डालना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई मैनुअल सीरीज चल रही है, तो इनेबल्ड इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो ये फील्ड रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं और जो इनवॉइस का प्रीफिक्स है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनेबल्ड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। ओके, अगर आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नंबर चाहते हैं, तो उसके बाद डेट डाल देंगे किस डेट का आप बिल क्रिएट कर रहे हैं। देन बिल टू, किस पार्टी के लिए आप बिल बनाना चाहते हैं, उस पार्टी का नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप पार्टी के नाम टाइप करेंगे, और चूंकि आप जब बिल्टी क्रिएट कर रहे थे तो बिल्टी क्रिएट करते समय आपने बिल टू सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, कि ये किसके लिए बिल टू होगा, तो उस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे उस बिल टू पार्टी को टाइप करेंगे। उसके बाद बिल्टी सिटी भी, यानी बिल्टी कन्वर्ट टू बिल, या F6 प्रेस करेंगे तो भी ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सोर्स और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं कि आपने सोर्स डाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है भिलाई स्टील प्लांट, हमने ये डाला, और डेस्टिनेशन अमित, ये डाला, और उसके बाद अगर मटेरियल सर्च करना चाहते हैं कि कौन सा मटेरियल है तो वो भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च पे क्लिक करेंगे मटेरियल को छोड़ते हुए, एम्प्टी रखते हुए, तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक ही पार्टी थी, मतलब एक ही बिल्टी थी जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन जो हमने सर्च किया वो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नहीं चाहते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन रखा जाए, तो आप सभी को का बिल बना सकते हैं। यहाँ पे टैक्स जैसे GST 18 है, तो आप 18% टैक्स लगाना चाहें तो लगा दें, सेट कर देंगे, सारे जितने भी बिल्टी थी सब में 18% टैक्स लग गया। उसके बाद जो जो बिल्टी आपने बिल में कन्वर्ट करनी है उसको आप टिक कर देंगे, या सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सब में टिक हो जाएगा, अनसेलेक्ट करेंगे सब अनसेलेक्ट हो जाएंगे। आपको सारी बिल्टीज क्रिएट करनी है तो आपने सेलेक्ट ऑल किया, उसमें से कुछ भी लेफ्ट करना है, यानी कि कोई बिल्टी बिल पे कन्वर्ट नहीं करनी है, तो आपने उसको अनटिक कर दिया। इतना करने के बाद आप डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा जितनी हमने वहां से बिल्टी सेलेक्ट की थी, उस बिल्टी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको सामने शो हो जाएगी। राइट साइड में आपको टॉप पे टोटल वेट, टैक्सेबल अमाउंट एंड SGST, CGST, ग्रॉस अमाउंट एंड नेट अमाउंट, ये सब आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीव्यू देख सकूं बिना सेव किए हुए बिल को, अभी बिल आप सेव नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोगो भी आप कंपनी का लगा सकते हैं, और उसके बाद जो भी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बिल टू किसके लिए है, GST नंबर एंड लोडिंग फ्रॉम अनलोडिंग टू, ये सब आ जाएगा। अगर मान लीजिए मल्टीपल साइट्स की बिल्टी है, यानी कि मल्टीपल साइट्स थी उसमें लोडिंग और अनलोडिंग की, तो उसकी ग्रुपिंग वाइज आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी, जैसे बिल्टी नंबर है, व्हीकल नंबर, मटेरियल, CHL, रिसीव वेट कितना था, एंड शॉर्ट कितना है, बिलिंग वेट कितना है, रेट अमाउंट, एंड देन और आपको लास्ट में पूरा टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
दोनों का अलग अलग मतलब पार्ट लोडिंग अनलोडिंग के ग्रुपिंग वाइज भी आपको टोटल मिल जाएगा, और फिर एक ओवरऑल सम आपको यहाँ पे टोटल दिख जाएगा। और नीचे आप जो भी आपकी डिटेल्स हैं लाइक फुटर में कुछ करना चाहते हैं या बैंक डिटेल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल का प्रिंट आउट मिल जाएगा। फिर आप इसे अगर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, बिल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, डू यू वांट टू प्रिंट, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। अगर हम दोबारा मॉडिफाई करते हैं और देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस बिल को सिलेक्ट कर लिया आपने, और अगर आप कोई भी बिल इस बिल से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे बिल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी डिलीट आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से व्यू करेंगे तो भी आपको बिल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, बिल का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके जितने भी बिल्टीज हैं उनको बिल पे विद इन अ वन क्लिक आप बिल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।